छिंदवाड़ा में थाना प्रभारी की मिलीभगत से अवैध कोयला उत्खनन का कारोबार धड़ल्ले से चालू है। कार्रवाई न होने के कारण माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। शिवपुरी थाने के अंतर्गत रावनवाड़ा व दिगवानी ग्राम में अवैध कोयला उत्खनन का कारोबार निरंतर जारी है। दिन रात मजदूरों से खुदाई करवाकर कोयला निकलवाया जा रहा है। जनपद सदस्य जैकी नागवंशी ने बताया कि इस बात की सूचना शिवपुरी थाने के थाना प्रभारी को बहुत बार दी गई, लेकिन उन्होंने सब कुछ जानने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। जब इस बात की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जीतन जाट को मिली तो जाट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अवैध कोयला खनन पर रोक लगाने का आश्वासन दिया है। कई जगह पर पुलिस और डब्ल्यूसीएल की संयुक्त टीम भी भ्रमण कर रही है। लगातार इसमें जो ट्रैक्टर और जो ट्रॉली जो संलिप्त रहते हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। ब्लास्टिंग के संबंध में अभी तक ऐसे कोई साक्ष्य सामने नहीं आया, परंतु अवैध उत्खनन की जहाँ जहाँ शिकायतें मिल रही हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दो नंबर के काम के लिए कई बार अवगत कराया कि सर इसको देखिए बंद करवाइए, लेकिन उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, ना वो उन्हें आके कभी देखे ना पूछे भी नहीं कभी किसी से। अवैध काम एक महीने से चल रहा है, कभी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई और उठाए भी है हमने। मैंने भी कई बार यही साहब को कॉल करके बोला, अवगत कराया हर चीज़ से कि मेरे पास समस्या आती है, सभी ग्रामीण लोग मेरे को सूचना देते हैं, तो मैंने उनको सूचना दिया यही साहब को, लेकिन वो उसके बाद भी राउंड में नहीं आते। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।